YouTube चैनल। तो जैसे कि आज है संडे और आज मैं आया हूँ देवनार। वीडियो देवनार का सेकंड व्लॉग है मेरे चैनल पे। तो कल मैं नहीं आ पाया बिकॉज बारिश ज़्यादा हो रही थी, तो आई वॉजेंट फीलिंग दैट गुड, तो इसलिए मैं नहीं कवर कर पाया। तो आज संडे, सोचा संडे को आज देवनार का व्लॉग बना दिया जाए। आज थोड़ी बारिश कम है लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि देखने को कि क्या मिलता है आज संडे के दिन देवनार में। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने कुछ भेड़ हैं, जो भेड़ होते हैं वो नॉट वो जो कट्टू में माल होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। वैसे मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मेरे वीडियो में जो साउंड्स होते हैं वो मत डालो क्योंकि साउंड्स बहुत इरिटेटिंग होते हैं, तो इसलिए आज मैं वॉइस ओवर देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे तो फ़िलहाल पूरा देवनार खाली ही है लेकिन यहाँ पर साफ़ सफ़ाई चल रही है बिकॉज संडे है, तो संडे को हमेशा साफ़ सफ़ाई होती रहती है। और यहाँ पर कट्टू बकरे भी हैं बहुत सारे, तो वो कवर करने लायक जैसा तो नहीं है, तो वो मैं कवर नहीं करूँगा। तो चलते हैं आगे, आगे जा कर के देखते हैं कि वहाँ पे अगर कुछ होता है तो फॉर सेल के लिए, तो उसका वीडियो बना रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देवनार बकरा मंडी पूरी खाली है, तो यहाँ पर ज़्यादा वेट करोगे फ़ायदा भी नहीं है। यहाँ पर कुछ बकरे हैं लेकिन वो सब कट्टू का माल है, तो वो तो कवर करने लायक जैसा है भी नहीं, तो कवर करके कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि वो शायद बिक जाए या कट जाए, तो उसको नहीं कवर करेंगे। फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ मिल जाए ऐसा कि आप लोगों को दिखा सकूँ, बट यहाँ पर तो पूरा देवनार खाली है। एक सेकंड आपको देखिए, पूरा देवनार खाली है, संडे है, देवनार खाली है, जो भी बकरे थे सब बिक गए, सिर्फ यहाँ पर एक कुत्ता सो रहा है फिलहाल। तो ढूँढ रहे हैं फिर भी बकरे, यहाँ पे कुछ बकरे मिल जाए। देख सकते हैं कि बफेलोज जो हैं, ब्लैक बफेलोज का वहाँ पर बाड़ा है, वहाँ ब्लैक बफेलोज बिकते हैं, तो वो कवर करके तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि संडे के दिन पूरा देवनार खाली। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ से देवनार से यहाँ घूम रहा था तो यहाँ पर मुझे थोड़े बड़े बकरे दिखे, तो मैं इन साहब के पास आया हूँ लेकिन इन्होंने वीडियो में आने के लिए मना कर दिया है। तो इनका नाम इनसे पूछेंगे और इनका नंबर मैं आपको बता दूंगा। आपका नाम मुझे बताएंगे सबसे पहले? तो मेरा नाम सलाम भाई। सलाम भाई, तो सलाम भाई आपके पास काफी बड़े बकरे हैं, तो इनका रेट बताएंगे सबसे पहले मुझे, ये बकरे का रेट बताओ ना। ये बकरे का 35,000। 35,000 रुपए। ये क्या मतलब, कौन सी जात का बकरा है ये? ये अलवर है। अलवर, पानी पी रहा है, इसको पानी पी लेने देंगे। अलवर जात का बकरा। और ये कौन सा है? ये गुजरी है। गुजरी, तो इसका क्या मांग रहे हो आप? 45,000 रुपया। और मतलब कितने दांत पे है ये? पूरे 8 दांत हो गए पूरे इसके। और कितना वजन कितना होगा लगभग इसका? वजन कम से कम आएगा 100 किलो के करीब। मुझे नहीं लगता 100 किलो होगा लेकिन फिर भी इस टेलिंग के 100 kg है। ये अलवर ब्रीड का ना, इसका क्या 35,000 बोले ना आपने? 35,000 रुपया। 45,000 रुपये ये बकरे का मांग। 35, ये बकरे का 35 मांग रहे हैं। इसका वजन कितना होगा? ये 80 kg तक बोल रहे हैं इसका वजन होगा। और ये भी गुजरी है ना? ये भी गुजरी है। इसका क्या मांग रहे हो आप? इसका भी वही कितना? 45,000 रुपये। 35,000, मतलब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा कम? वो तो है। अच्छा, कम हो जाएगा। और ये वाला कौन सा है? ये वाला, ये जो छोटा थोड़ा सा है, तो इसका क्या मांग रहे हो? 18,000 रुपया। और ये कितने दांत पे होगा? ये 4 दांत। 18,000 रुपये मांग रहे हैं 4 दांत। और ये ब्लैक कलर का जो है बड़ा बकरा, इसका कितना मांग रहे हो? ब्लैक वाला जो है 27,000 रुपया। इसके कितने दांत होंगे? कौन सा है ये वैसे? जयपुर, ये जयपुर वाला बकरा है। वजन कितना होगा लगभग इसका? 80 किलो तक, 80 kg तक होगा इसका। और ये जो है ये छोटा वाला, इसका क्या? अच्छा, ये अदंत है। ये कौन सी जात का बकरा है? जयपुर जात का। तो इसका क्या मांग रहे हो आप? 16,000। तो कम हो जाएगा उसका मतलब। एक बार आपका नंबर बोल देंगे क्या? 9 2 9 2 2
4557 6 7 6 5 3 5 3। तो जिसको भी ये बकरा खरीदना हो, ये बारह नंबर कौन सा है? S2। बारह नंबर S2 में ये बकरे हैं, काफ़ी बड़े बकरे हैं। तो जिसको भी खरीदना हो वो इनको कांटेक्ट कर सकता है। सलाम भाई नाम है इनका, नंबर मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम भाई बात करने के लिए। जैसे कि मैं देवनार से निकल रहा था तो मुझे ये भाई मिले और इनके पास काफ़ी अच्छे बकरे के बच्चे जो है वो सेल के लिए, इनके पास बड़े भी है कुछ, तो इनसे बात करेंगे और इन सब बकरों के रेट पूछेंगे इनसे। सबसे पहले भाई आपका नाम बताओ ना। हुसैन। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई। वालेकुम सलाम भाई। ये बकरे आपके ही ना? हाँ भाई। तो क्या रेट है इनका? इस वजह से अलग अलग रेट के बकरे, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे भाई। सब अलग अलग रेट के, अलग अलग रेट के। इसमें मुझे सबसे बड़ा बकरा आपका शायद ये दिख रहा है। वो तो पाला हुआ भाई, पाला हुआ तो वो बेचने के लिए नहीं है। नहीं। ओके, तो इसमें बड़ा बकरा निकालेंगे आपका कोई है? वो वाइट वाला हो। क्या रेट से क्या रेंज तक है भाई आपके पास बकरे? भाई मेरे पास में 7000 का, 7000 से स्टार्ट है और 12000 तक का बकरे है। 7 से 12000 तक के? हाँ। मतलब बच्चे ही पालने लायक बच्चे हैं आपके पास? पालने लायक बच्चे हैं तो 7000 का तोतापुरी बच्चे। ओके, और काटने मतलब कुर्बानी वाले भी है? कुर्बानी वाले भी है, हकीके वाले भी है, सब है। अच्छा, तुम हमेशा मंडी लगाते हो आप? हाँ, साल के 12 महीने मतलब अवेलेबल रहते हो। हाँ हाँ। ओके, तो ये हुसैन भाई का जो है बड़ा बकरा है, क्या रेट पे दे रहे हो भाई इसको? भाई इसको तो 16000 मांग रहे हैं। नेगोशिएबल है ना, मतलब कम हो जाएगा ना। 16000 रुपये मांग रहे हैं। कौन सी ब्रीड का वैसे है? भोपाल की, मालवा मतलब। और ये जो है इसका रेट क्या है भाई? 7000। ये कौन सा है? तोतापुरी। तोतापुरी ये वाला भी वही है ना? ये भी वही है। तो इसका अच्छा, और मुझे बकरे दिखाएंगे कि आप जो गिने चुने मतलब जो अच्छे होंगे आपके पास? जैसे हकीके काम में आता है बकरा, ऐसा बकरा 7000 का मिल जाता है। काला वाला जो है जो जा रहा है ऐसा बकरा लेंगे 5-5.5 का मिल जाता है। कौन सा? ये जो है सामने काला वाला, ये इसके पीछे ये छोटा वाला। हाँ। 5-5.5 हज़ार का। हाँ। और ये जो है ये 7.5-8 का ये जो ब्राउन वाला है, ये ब्राउन वाला जरा बताएंगे भाई? ये ब्राउन वाला, इसका क्या रेट है भाई? ये तो बेचते नहीं ऐसे, लेकिन ऐसा बकरा लेंगे इसकी 9000 की कीमत है भाई। 9000? तो ये बेचना नहीं है मतलब? नहीं, ये नहीं बेचना। और ये वाला? ये भी पाला हुआ। ये भी पाला हुआ, तो मतलब ये तीनों आपको बेचना नहीं है? 1, 2, 3 और वो चार नहीं बेचना मतलब आपको? तो इसमें से आपका अच्छा बकरा जो है वो बताओ ना जरा मुझे, 2-3 अच्छे बकरे बताओ। ये ब्लैक है, ये वाइट है। इसका क्या मांग रहे हो आप? ये आपको 10000 में लास्ट हो जाएगा। 10000। और ये वाला, मुझे ये वाला थोड़ा अच्छा दिख रहा है, इसका क्या रेट है ये वाले का? इसके 8.5 हज़ार। ये कौन सी जात का बकरा है ये बताएंगे? ये मालवा है। मालवा? मालवा मतलब गुलाबी में? लेकिन गुलाबी में 8.5 मांग रहे हैं, भाव तो हो जाएगा उसके 8.5 में कम हो जाएगा। हाँ। और इसका क्या मांग रहे हो? ये 11 मांगते हो, उसमें भाव तो हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब। हाँ। आपका नंबर भाई एक बार बता देंगे क्या लोगों को? हाँ, जो जिसको कांटेक्ट होगा तो डिलीवरी कर देंगे आप? डिलीवरी नहीं भाई, डिलीवरी का काम नहीं। डिलीवरी का काम नहीं, यहीं आके लेना पड़ेगा। बड़े बकरे भी बेचते हो आप? सब बेचते, बच्चे सब मिले, जो चाहिए वो मिल जाएगा अपने पास में। तो आपका नंबर बोल देंगे एक बार? हाँ, बोलेंगे ना भाई। 9821 9821 8683 8683 60 60। और एक नंबर होगा आपके पास? और एक नंबर भी है, 8080 700 700 48 48 786 786। तो आपको कांटेक्ट कैसा करना पड़ेगा मतलब? व्हाट्सएप पे, जो 360 है ना लास्ट में, पहला नंबर पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। बाकी ये मेरा दोनों नंबर चालू रहता है हमेशा। अच्छा, मतलब 24/7 चालू रहेगा। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई बात करने के लिए। तो जिसको भी खरीदना होगा हुसैन भाई, ये कोटे में, इसका क्या मांग रहे हो भाई आप? 6000 रुपये। काफ़ी अच्छा है लेकिन ये माशाल्लाह। तो जिसको भी खरीदना हो हुसैन भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 साल के 12 महीने ये जेंटलमैन आपको मिलेंगे। तो इनका व्हाट्सएप नंबर भी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो जिसको भी खरीदना हो इनको कांटेक्ट करके देवनार में आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आया वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, व्यूज़ तो आ रहे हैं वीडियोज़ पे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और देवनार के वीडियोज़ आते रहेंगे। तो चलिए व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।